पंढरीची वारी आहे माझ्या घरी, पंढरीची वारी आहे माझ्या घरी, व्रत एकादशी करीन उपवासी। पूर्वी महाराष्ट्र के बावी गांव की औरतें अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हुए गाना गा रही हैं। वो बीते दशक के बुरे दिनों का अभिशाप दूर करना चाहती हैं। मराठवाड़ा इलाके में बावी उन जगहों में से एक है जहां किसान बहुत मुश्किलों से जूझ रहे हैं। फसल का बेकार होना, भूजल स्तर में कमी, भोजन की असुरक्षा और अनिश्चित नगद आय की समस्या चारों ओर फैली है। ये जिला सूखे से प्रभावित रहा है और हर साल आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या यहां बढ़ती गई है। 2018 में यह संख्या 947 थी। मायूसी और अनिश्चित आय के कारण ही सुनीत कुलकर्णी जैसे किसानों ने अपना ध्यान गन्ना और सोयाबीन जैसे नगदी फसलों की तरफ लगाया है। हालांकि जो पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा अगले साल की फसल में लगाना होता है। इसका मतलब है कि परिवार को पालने के लिए उनके पास बहुत थोड़ा ही बचता है। उनकी पत्नी शुभांगी इस चक्र को तोड़ना चाहती थीं। जब कोई आदमी अपने खेतों में काम करता है तो वो केवल पैसे और जो बड़े फैसले करने हैं उनके बारे में सोचता है। महिलाओं का तरीका इससे काफी अलग है। वो घर और परिवार की जरूरतों के बारे में सोचती है, जीवन के लिए जरूरी खाने और पैसे के बारे में सोचती है। 3 साल पहले शुभांगी ने अपने पति से 1 एकड़ जमीन, फल सब्जी और परिवार के खाने भर के लिए अनाज उगाने के लिए अलग करने को कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने दबाव डाला कि कानूनी रूप से ये जमीन उसके नाम कर दी जाए। किसी औरत का इस तरह की मांग करना ना सिर्फ दुर्लभ घटना थी बल्कि अपने आप में एक क्रांति भी। भारत में 83% खेतों की जमीन परिवार के मर्दों के नाम पर है और उन्हीं को विरासत में मिलती है। महिलाओं के पास या उन्हें मिलने वाली जमीन महज 2% है। महिलाएं हमेशा खेतों में मजदूरी ही करती हैं। 70% महिला किसान खेतों के काम का 80% निपटाती हैं। वो फैसले नहीं करती, बस मजदूरी करती हैं। लेकिन अब वो मालिक भी हैं। गोदावरी स्वयं शिक्षण प्रयोग की स्थानीय प्रमुख हैं। ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करने वाला एक संगठन है जिसने शुभांगी जैसी कई महिलाओं को अपनी बात रखने में मदद की है। बावी की महिलाओं को सशक्त बनाने का विचार 2009 में तब आया जब पता चला कि वहां की ज्यादातर महिलाएं बुरी तरह कुपोषित हैं। आम्ही ज्यावेळेला HB चे कॅम्प घेतले आणि HB तपासल्यानंतर महिलांच्या हिमोग्लोबिन, जब हमने महिलाओं के खून में हीमोग्लोबिन की जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया तो देखा कि वो तो बहुत कम था। वहाँ मौजूद एक महिला ने बताया कि ग्रामीण परिवारों में औरतें पारंपरिक रूप से पहले मर्दों को खाना परोसती हैं और उसके बाद जो बच जाता है वो खाती हैं और कई बार तो कुछ बचता ही नहीं है। भाजी वगैरह मिलत नहीं तरह ज्या का मिलत नहीं थे जामी अभ्यास केला परत। महिलाओं के 1 एकड़ मॉडल और पर्यावरण अनुकूल खेती से औरतों को भरपेट खाना भी मिल रहा है। स्वयं शिक्षण प्रयोग महिला किसानों को बीज बचाने और 35 प्रकार के पोषण से भरपूर सब्जियां, अनाज और कंद उनकी जमीन पर उगाने के लिए ट्रेनिंग देता है। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसमें कम से कम पानी की जरूरत होती है। इसके कारण बाजार के उत्पादों पर उनकी निर्भरता घट जाती है। उन्हें रोजगार के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि बकरी पालन, पोल्ट्री या फिर डेयरी फार्मिंग।
एक एकड़ मॉडल के कारण अर्चना का कद न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे समुदाय में ऊंचा हो गया है। जो अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारी क्षमता पर यकीन करे तो हमें पहले अपना मोल खुद ही बढ़ाना होगा। अब जब मैं कामयाब हूँ तो मेरा परिवार मुझसे हर बड़ा फैसला करने से पहले पूछता है। नहीं, घरी जितका पाहिजे तेवढा ठेवा, घरी मध्ये काज कसर करायचीच नाही। आपला अन्न सुरक्षा आपल्याला करायची होती तर त्याप्रमाणे आपल्या सर्व महिलांना हा निरोप आपल्याला द्यायचा आहे की सेंद्रिय पद्धतीने आपलं जे निमर्क आहे, दशपर्णी आहे, तिचीच आपल्याला फवारणी करायची। मतलब मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं जब 25 साल पहले ये महिलाओं के साथ काम करना शुरू की थी, 10 रुपये सेविंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल की बात थी। आज वही महिलाएं 500 रुपये भी सेविंग कर रहे हैं, ये एक चेंज डिफरेंस है। सूखे से प्रभावित मराठवाड़ा में आज 41,000 से ज्यादा औरतों ने एक एकड़ मॉडल को अपना लिया है। हालांकि महिलाओं के अधिकार की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। पुरुष प्रधानता वाले समाज में केवल 10% औरतों के पास ही अर्चना और शुभांगी की तरह एक एकड़ के फार्म हैं।